श्री साई राम गीता वाहिनी नवा अध्याय। दिव्यता के क्षेत्र में समाज और व्यक्ति की रक्षा के लिए जिस प्रकार मन की पवित्रता मुख्य है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उपहास, आलोचना, निंदा द्वारा कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। कल्याण को सभी आवश्यक समझते हैं, इसलिए शासक और विद्वान दोनों अपना क्रोध और घृणा की भावना त्याग कर शांतिपूर्वक इसके लाभ हानि दोनों पक्षों को गहराई से समझकर वर्ण संगठन को सुव्यवस्थित रूप दें। यही कार्य उचित है। विद्वान और चतुर पंडितों के लिए ईर्ष्या और अज्ञानियों को निरर्थक आलोचना का पक्ष लेना अनुचित है। वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करने वाले स्वयं एक वर्ण बन रहे हैं। धर्म का निषेध करने वाले स्वयं एक नए धर्म का निर्माण कर रहे हैं। जो बहुत समझदार हैं, वे भी जानबूझकर वर्ण के विरुद्ध ऐसी बातें करते हैं मानो वे भी औरों की तरह नासमझ हैं। यही तो आश्चर्य है। हर वस्तु के लिए एक सीमा रहती है। यदि वह इस सीमा का अतिक्रमण करती है तो वह वस्तु खुद नष्ट हो जाती है। इसकी पहचान क्या है? वस्तु के गुण व रूप की क्रमानुकूलता। किसी का यथा रूप गुण न हो तो वह असत्य है, झूठ है। इसी प्रकार किसी वर्ण की कोई सीमा न हो तो उसे एक अलग वर्ग कैसे पहचाना जाएगा? वह न इधर का रहेगा न उधर का, सिर्फ एक आकृति विहीन ढेर या अव्यवस्थित समूह बनकर रह जाएगा। वर्ण निर्माण एक दैवी व्यवस्था है, इसलिए युगों तक महर्षियों, संतों और वरिष्ठ लोगों ने इसका पोषण कर इसे स्थिर रखा। लेकिन इस कलयुग में बुद्धिमान भी इसे कचरा समझ हटा रहे हैं। बिना गंभीर जांच पड़ताल व अंतर पहचाने अपने ही दृष्टिकोण से इसके बाह्य स्वरूप को देख कोई कैसे ठीक निर्णय पर पहुंच सकता है? इसकी पवित्रता और मूल्य तभी समझ में आएगा जब अंतर्दृष्टि, सर्व व्यापी निरीक्षण शक्ति और जिज्ञासु आत्मा तत्व प्रबल होगा। जैसे दूध का अंतर्वर्ती मक्खन मंथन की क्रिया से प्रकट होता है, उसी प्रकार इन चार वर्णों का विशिष्ट मूल्य विवेचना पूर्ण जिज्ञासा द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। तभी पक्षपात वृत्ति नष्ट होकर यथार्थता प्रत्यक्ष हो जाएगी। चार वर्ण एक ही शरीर के विभिन्न अंगों के समान हैं, वह उसी एक दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय हाथ से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से। वास्तव में इस कथन का गहरा आंतरिक अर्थ है। ज्ञान के सिद्धांतों की जो गुरु की तरह शिक्षा देती है, उसी वाणी का वक्ता ही ब्राह्मण है। शक्तिशाली भुजा वाले जो पृथ्वी का भार उठाए हैं, वे क्षत्रिय हैं। खंभों की तरह जो समाज रूपी भवन को साधे हुए हैं, वे वैश्य हैं। इसीलिए अलंकारिक शब्दों में उनको दिव्य पुरुष की जंघा से उत्पन्न बताया गया है। हर प्रकार के कार्यों की हलचल में व्यस्त पैरों की तरह शूद्र समाज के बुनियादी कार्य करते हैं। यदि किसी एक भी वर्ण का कार्य ढीला पड़ जाए तो सामाजिक जीवन की शांति व सुख पर उसका बुरा प्रभाव होगा। सभी वर्ण आवश्यक व कीमती हैं, जैसे शरीर के सब अंग बराबर महत्व के हैं। यहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा। घृणा और स्पर्धा सामाजिक जीवन के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितना कि गुस्से में सब अवयवों का पेट के विरोध में अपने काम बंद कर देना। मिश्री की बनी गुड़िया पूर्णतया मीठी होती है। सिर तोड़कर खाओ तो मीठी, पैर तोड़कर खाओ तो भी उतनी ही मीठी। तब उसी एक दिव्यता से उत्पन्न
अव्ययों की तरह जो वर्ण हैं, उनको ऊंचा या नीचा कैसे घोषित किया जा सकता है। अव्ययों में तो भिन्नता है भी, लेकिन लाल रक्त सभी में बहता है, सभी को जीवन देता है। हाथ, पैर या मुख के लिए अलग अलग रक्त नहीं होता। वर्णों का प्रबंध वेदों द्वारा संस्थापित हुआ है, इसलिए यह कभी अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। ये किसी मनुष्य द्वारा आविष्कार की रचना नहीं है। इसलिए जो वर्णों के बारे में अपने अविवेकी आक्षेपों द्वारा ऊंच नीच की भावना और घृणा उत्पन्न करते हैं, वे अज्ञान का ही प्रदर्शन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंत होने में ही मनुष्य की भलाई है। ऐसे तर्क करने वालों को देखकर लगता है मानो केवल ये ही लोग मनुष्य के कल्याण के वृद्धि के लिए उत्सुक हैं। उनका विश्वास है कि जो इस प्रबंध को लाभदायक कहते हैं, वे यथार्थ में मानव समाज को नष्ट करने के लिए उत्सुक हैं। वास्तव में तो ये दोनों बातें भ्रमपूर्ण हैं, लेकिन इसमें इतना सत्य अवश्य है कि जो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में हैं, वे मनुष्य की भलाई चाहते हैं। दूसरे सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था के मिटने पर वह खुद देश को बचा लेंगे। उनका यह विश्वास भी भ्रामक है। यदि गुण और दोषों की सावधानी से बिना पक्षपात के सूक्ष्म परीक्षा की जाए, तो घृणा और शत्रुता का असभ्य युद्ध काल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के प्रति जनता का दृष्टिकोण बहुत बदल जाएगा। घृणा को बढ़ाने से किसी को लाभ नहीं होता, सब समान हैं। इस आदर्श का अनुसरण करना मृत तृष्णा द्वारा प्यास बुझाने जैसा है, इससे असंतोष ही मिलेगा। शासकों को चाहिए कि वे जनता के प्रतिनिधियों जैसे कि पंडितों और अनुभव वयस्क जनों को बुलाकर उनकी सलाह लें। इस प्राचीन व्यवस्था और सामाजिक संगठन के महत्व पर विचार विमर्श द्वारा परीक्षण करें। इसके विपरीत अगर बाहरी रूप व लक्षण के आधार पर इसे विषाक्त समझकर वे आतंकित हो भाग जाएं, तो वह उनका अज्ञान ही होगा। शासक व पंडित दोनों का उद्देश्य हृदय से जनता को सुखी देखना है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का निर्माण भी इसी लक्ष्य को रखकर हुआ है। इस पर आक्षेप इसलिए लगाए जाने लगे क्योंकि विद्वानों की सलाह से इस व्यवस्था का सर्वदा पालन नहीं किया गया। एक छोटा सा उदाहरण लो। कई देशों ने ऐसे बम बनाए हैं जिसके एक ही विस्फोट से लाखों मनुष्य नष्ट हो सकते हैं। इसकी बुराइयों को जानते हुए भी शासक खुद इसको प्रोत्साहन देते हैं। यदि इनका प्रयोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार किया जाएगा तो सभी नष्ट हो जाएंगे। जब विप्लव का डर हो, तब केवल आत्मरक्षा के लिए अंतिम अस्त्र मानकर ही उसका उपयोग होना चाहिए। इसका लक्ष्य संसार का नाश नहीं, बल्कि अपने देश व सभ्यता व गौरव की रक्षा करना है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था को भी अपने देश व सभ्यता का रक्षक, शक्तिशाली कवच समझना चाहिए। इसके सिद्धांत, नियम, निषेध व विधि जनता को नष्ट होने से बचाने के लिए है। इन नियमों का विधिवत व दृढ़ता से पालन करना होता है। स्वेच्छा अनुसार इसको बरतना, इसके प्रवाह की दिशा, सीमा व बांध का ध्यान न रखना विप्लव को निमंत्रण देना है। इसलिए अनुभवी वृद्ध जन, शासक, श्रेष्ठ विद्वान, पंडित और समाज के नेताओं ने इस व्यवस्था की रक्षा व पोषण द्वारा इसे स्थित रखा। क्षण भर इस पर विचार करने से सत्य प्रकट हो जाएगा कि यह कल्याणकारी है या नहीं। क्या तुम समझते हो वो सभी पूर्वज मूर्ख थे या आज की तरह उनमें विद्वता नहीं थी, वे बुद्धिहीन थे? नहीं, उनकी जैसी बुद्धि, विद्वता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता, तीव्र जिज्ञासा,
सामाजिक समस्याओं के प्रति उनके न्यायपूर्ण पक्षपात रहित निर्णय आज 100 में से एक ही में मिलेंगे। तपस्वी जिन्होंने अपनी बौद्धिक व मानसिक शक्ति संसार के कल्याण हेतु समर्पित कर दी थी, जिनके लिए यह कार्य अपनी श्वास के समान सहज था, योगी और आध्यात्मिक योद्धा महर्षि जिन्होंने मानव समुदाय को सच्चा संतोष देने का प्रयत्न किया, वही समाज व्यवस्था के सच्चे व्यवस्थापक थे जिनका आधुनिक लोग तिरस्कार करते हैं। वे आज के सुधारवादियों जैसे नहीं थे जो केवल प्रगल्भ शब्दों द्वारा कल्याण की कामना करते हैं और यथार्थ में जिस कल्याण की वे कामना करते हैं उसको अपने आचरण द्वारा नष्ट करते हैं। प्राचीन मुनि इस प्रकार के छल कपट को नहीं जानते थे। आधुनिक विचार और उपाय खोखले हैं और दिखावटी हैं। आधुनिक इरादे सिर्फ हवाई किले हैं, संयोजकों के अहंकार की तुष्टि के लिए हैं, जिसका अर्थ भी अन्य लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। एक और उनका निर्माण कार्य जारी रहते हुए भी दूसरी ओर से उनका ध्वंस प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार जीवात्मा के लिए शरीर है, उसी प्रकार भगवान के लिए संसार है। शरीर के किसी भी हिस्से में कुछ भी होने से जीवात्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार संसार के किसी भी हिस्से में कुछ भी होने से भगवान उसे जान जाते हैं और उसकी उन पर प्रतिक्रिया होती है। वे इसका निवारण करते हैं। जिस प्रकार तुम अपने सब अंगों को चुस्त व निरोग रखना चाहते हो, भगवान भी चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक देश सुखी व संतुष्ट रहे। क्या वो कभी किसी भी देश को हानि पहुंचाना चाहेंगे जो कि उनका ही एक अंग है? भगवान से संबंधित मामलों में सभी को एक सा अधिकार है, सभी भगवान के लिए समान हैं। फिर भी एक अंग दूसरे अंग का काम नहीं कर सकता है। प्रत्येक को अपने ही हिस्से का कार्य करना है। इसी तरह प्रत्येक वर्ण को अपने हिस्से के सामाजिक कार्य करने चाहिए और देश के कल्याण के लिए श्रेष्ठ सहयोग देना चाहिए। शरीर की जिस प्रकार अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार समाज में वर्ण होते हैं। यदि सभी व्यापारी बन जाएं, तो खरीदने वाला कौन होगा? और यदि सब युद्ध में संलग्न हो जाएं, तो उनके पोषण व पालन के साधन, भोजन, वस्त्र और सामग्री का कौन प्रबंध करेगा? इसलिए हरेक को अपने हिस्से के सामाजिक कार्य द्वारा शांति, एकता और सुख को सुरक्षित करना है। यही सही मार्ग व सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्था है। आजकल आवश्यक कार्य करने के स्थान पर लोग डर कर परस्पर विनाशकारी झगड़ों में पड़ते हैं कि उन्नति के लिए वर्ण ही सबसे अधिक बाधक है। जो लोग अपने शरीर को वश में नहीं रख सकते, वे अपने देश की मर्यादा कैसे रख सकेंगे? ध्यान रखो कि वर्ण व्यवस्था का पोषण, जिसको इतने प्राचीन काल से पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है, वही एक अति कल्याणकारी कार्य है जिसे करना है। भगवान ने वर्ण व्यवस्था संस्थापित करते समय कोई पक्षपात नहीं दिखाया। उनमें ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान भेदभाव क्यों रखते हैं? नहीं, उनमें कोई ऊंच व नीच का भेदभाव नहीं है। वह मिश्री की तरह पूर्णतया मधुर हैं। भेदभाव या भिन्नता तो जीवों की विशिष्टता है, जो कि आत्मा की यथार्थता को नहीं जानते हैं। ये लोगों का भ्रम है, जो कि भूल से अपने को अनात्मा समझ लेते हैं। इस उदाहरण पर ध्यान दो। एक माँ के चार बच्चे हैं, लेकिन वह तीन बच्चों का इतना ध्यान संभाल नहीं करती है जितना कि पालने में सोते बच्चे का। बच्चा उसके लिए न भी चिल्लाए, तब भी वो हमेशा उसकी क्षुधा मिटाने को तैयार रहती है। अन्य तीनों को उसके पास आकर भोजन व खिलौने मांगने पड़ते हैं। ये देखकर तुम उसे बुरी या पक्षपाती माँ नहीं कह सकते।
माँ अपने कार्य बच्चे की सामर्थ्य व योग्यता देखकर ही व्यवस्थित करती है। पूरा विश्व भगवान का है, सभी उन्हीं के बच्चे हैं और उसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक को उसके सामर्थ्य व योग्यता अनुसार समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व का हिस्सा सौंपा है। ऐसे निस्वार्थी, विश्वसनीय, सरल, परम सुखदायी परमात्मा की भूल निकालना सूर्य को अंधकार कहने की तरह है। अंधकार और सूर्य की किरणें एक साथ नहीं रह सकती। फिर सूर्य अंधकार का गृह कैसे हो सकता है? जो लोग सूर्य को ऐसा दोष लगाते हैं, वे सूर्य को बिल्कुल नहीं जानते हैं। यह भारी भूल और पूर्ण अज्ञान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन वर्णों का नाम दूसरी प्रकार से यह भी हो सकता है कि जो ब्रह्म के ध्यान में संलग्न है वे ब्राह्मण हैं, असत्य का विरोध करने वाले क्षत्रिय हैं। व्यवस्थित प्रणाली द्वारा जो सत्य का असत्य से विवेचन कर लेते हैं वह वैश्य हैं। जो उद्योगी हैं और जीवन में सदा सत्य का पालन करते हैं वे शूद्र हैं। मनुष्य के सुख और कल्याण के लिए ऐसी ही वर्ण व्यवस्था का पालन आवश्यक है। अब पुनः पूर्व विषय पर आएं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने चार वर्णों का निर्माण गुण व कर्म के आधार पर किया है। यद्यपि जहां तक इनका संबंध है मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं। मूल सिद्धांत पर ध्यान देने पर तुम जान जाओगे कि कर्म जो कि मौलिक रूप से जड़ या अचेतन या भौतिक है, वह आत्मा को जो चैतन्य है प्रभावित नहीं कर सकता है। आत्मा का अंतर्वर्ती गुण अनासक्ति है। इसे अपनी आवश्यकताओं, गुण अथवा प्रभुत्व का मान तक नहीं है। इसमें मैं और मेरे का भाव नहीं होता है, क्योंकि यह अज्ञान के लक्षण है। केवल वे ही जो अज्ञान से पीड़ित हैं अहंकार या मेरा भाव से व्यवस्थित रहेंगे। साधारण दृष्टि से लगेगा कि मैं ही करता हूं, लेकिन करता मैं नहीं हूं। इतना ही नहीं, कर्म की समाप्ति होने पर भी कर्ता पर उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता है। यथार्थ में कर्म का प्रभाव कभी भी नहीं मिटता है। कर्म से फल की उत्पत्ति होती है, कर्म के परिणाम से फल की इच्छा उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप और अधिक कर्म करने की प्रवृत्ति होती है और ऐसी प्रवृत्ति से आगे भी जन्म लेने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्म द्वारा जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। ये एक दुष्ट भंवर है जो तुम्हें अपने चक्कर में घुमा घुमा कर जल तल में खींच लेता है। अर्जुन, एक दूसरे उदाहरण को भी ध्यान से सुनो। कर्म अकेला ऐसे बांधने की सामर्थ्य नहीं रखता है। यह अहंकार कि मैं करता हूं मोह व बंधन का कारण है। फल प्राप्त करने की इच्छा ही बंधनकारी है। उदाहरण के लिए शून्य की कीमत इकाई के अंग लगने से ही बढ़ती है। कर्म शून्य है। निमित्त या मैं करता हूं कि भावना कार्य से जुड़ने पर बंधन उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, मैं का भाव छोड़ देने पर जो भी कर्म तुम करोगे तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। फल प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं उनसे प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। तात्पर्य ये है कि पुनः जन्म पाने की भी रुचि नहीं रहेगी। प्राचीन साधक इसी ऊंचे आदर्श को लेकर कर्म करते थे। वह ऐसा अनुभव नहीं करते थे कि मैं करता हूं या किसी कर्म फल का मैं आनंद ले रहा हूं। भगवान ने कार्य किया, भगवान ने ही फल दिया, भगवान ने ही उसका आनंद उठाया, उनकी भावना थी, यही उनका विश्वास था। इस संसार का केवल सापेक्ष शून्य है और उसका कोई निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है, केवल ऐसी उनकी मान्यता थी। अर्जुन,
तुम भी ऐसी भावना और श्रद्धा उत्पन्न करो और विश्वास बना लो। ऐसा करने से तुम्हारा मन स्पष्ट और पवित्र हो जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर भी समझो। अब मैं तुम्हें इनके मुख्य भेद बताऊंगा। सुनो, बहुत से साधक इससे भ्रम में पड़ जाते हैं। सब इनके भेद नहीं समझ सकते हैं। वह समझते हैं कि स्वधर्म ही कर्म है। जो धर्म न समझकर किंतु आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से किए जाएं, वे सब कर्म विकर्म हैं। कोई भी कर्म हो, यदि वह अज्ञान के अंधकार में भ्रमित हो किया गया हो, तो वह कर्म चाहे जितनी प्रवीणता से किया गया हो, उसका परिणाम चिंता, शोक व कष्ट ही होगा। इससे चित्त की स्थिरता, संतुलन और शांति कभी नहीं मिलेगी। मनुष्य को भी कर्म द्वारा अकर्म और अकर्म में कर्म को जीतना होगा। बुद्धिमानों के यही लक्षण हैं। कुछ लोग कर्म न करने को ही अकर्म कहते हैं, लेकिन सरल भाषा में इसको समझाया जाए तो यह अर्थ होगा कि अवयवों, इंद्रियों, बुद्धि, अनुभव, भावनाओं एवं मन की क्रियाएं सब कर्म ही हैं। अब अकर्म का एक और अर्थ कर्म रहित भी है। यह आत्मा का गुण है। इसलिए अकर्म का अर्थ आत्मस्थिति है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। जब तुम बस, रेल या जहाज से यात्रा करते हो तो भ्रम होता है, मानो दोनों ओर पहाड़ और वृक्ष यात्रा कर रहे हैं और तुम अचल खड़े हो। वाहन की गति ही पहाड़ व वृक्ष गतिशीलता का गुण देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य शास्त्रों में निर्दिष्ट सिद्धांतों से अनभिज्ञ हो, भ्रम पूर्वक विश्वास करता है कि आत्मा ही इंद्रिय व शरीर के सब कार्य करती है। फिर क्या सच्चा अकर्म क्रियाहीनता है? आत्मा का अनुभव ही संपूर्णतया कर्म विहीन अकर्म है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। बाह्य कर्मों को न करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें आत्मिक सिद्धांतों को समझना चाहिए। केवल कर्म का ही त्याग नहीं करना है, क्योंकि सर्वथा बिना कुछ कार्य किए रहना असंभव ही है। जय साईं राम।